हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीटिंग डिज़ाइन। मेरे चैनल नीटिंग डिज़ाइन में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये पाँच और छः, छः छः के मल्टीपल से फंदे डालते हैं। आप अपने से प्रोजेक्ट में छः छः के मल्टीपल से फंदे सेट कर लें और बैक साइड से ये ऐसे उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे सीधे डालते हैं और फ्रंट साइड से ये ऐसा बनता है। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे इसकी हमें चार रो बनानी है। ये पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार और ये पांच। ये एक फंदा हम धागा बैक साइड रखेंगे और इसको ऐसे बिने बुने उतारेंगे। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ, ये पांच फंदे हम फिर से बुनेंगे। ऐसे ही हमें इसकी चार रो बनानी है, दो सीधी साइड से दो बैक साइड से। फिर से देखें, ये धागा ऐसे बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद फिर से पांच फंदे हम धागा अपनी तरफ रख के बनाएंगे। फिर से एक फंदा ऐसे बिना बुने उतारेंगे। सेम ऐसे ही हमें पूरी रो में करना है। ये एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे ऐसे, उसके बाद सभी फंदे उल्टे। बैक साइड से जो फंदे जैसे हैं हम उनको वैसे ही बुनेंगे। ये पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा सीधी साइड, और ये एक फंदा जो हमने बिना बुने उतारा था इसको बैक साइड से बुन लेंगे ऐसे। फिर पांच फंदे धागा सीधी साइड। बैक साइड से सेम हम वैसे ही बनाते चले जाएंगे और इस वाले फंदे को हम धागा अपनी तरफ रख के बना लेंगे। ये हमारी सेकंड रो है बैक साइड से। थर्ड रो सीधी साइड से, सेम वैसे ही पांच फंदे उल्टे, दो तीन चार और ये पांच, और ये एक फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे। बैक साइड से भी हम सेम ही बनाएंगे। ये फोर्थ रो है।
ये देखें फ्रेंड्स, सीधी साइड से हम इसे कैसे बनाएंगे। देखें इन दो फंदों का एक बनाएंगे, उसके बाद धागा बैक साइड यहाँ से इसके बीच वाले से यहाँ से फंदा निकालेंगे, ऐसे ऐसे बुनेंगे। इस एक फंदे को हम धागा बैक साइड बुनेंगे, उसके बाद फिर से सेम ऐसे ही इसी होल में से फंदा निकालेंगे, ऐसे दो फंदे निकालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ इन दो फंदों का एक बनाएंगे ऐसे, फिर से इस फंदे को उतारेंगे। फिर से देखें दो फंदों का एक, धागा बैक साइड यहाँ से फंदा निकालेंगे, ऐसे इसके बीच में यहाँ से एक फंदा बैक साइड बुनेंगे, फिर से सेम फंदा निकालेंगे, धागा अपनी तरफ दो फंदों का एक बनाएंगे ऐसे। तो उसके बाद इसको उतारेंगे, फिर से दो का एक, धागा बैक साइड इसके सेंटर वाले होल में से ऐसे फंदा निकालेंगे, इस फंदे को बैक साइड बुनेंगे, उसके बाद इसे फिर से ऐसे निकालेंगे, दो फंदे निकालने हैं हमें। उसके बाद यहाँ से दो का एक बना लेंगे, फिर से एक फंदा उतारेंगे, दो का एक, धागा बैक साइड इसके सेंटर वाले में से फंदा निकालेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा और निकालेंगे, धागा अपनी तरफ और दो का एक बनाएंगे ऐसे, फिर से इस फंदे को उतारेंगे, फिर से दो का एक, धागा बैक साइड इस वाले होल में से ऐसे फंदा निकालेंगे और एक फंदा बुनेंगे, फिर से सेम वैसे ही दो का एक। बैक साइड से सभी फंदे हम वैसे धागा सीधी साइड रख के बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, इस फंदे को हम अपनी तरफ रख के बनाएंगे, फिर से सेम वैसे ही पांच फंदे, धागा दूसरी तरफ। पांच फंदे धागा दूसरी तरफ बनाएंगे। इस फंदे को हम धागा अपनी तरफ रख के बनाएंगे, ये देखें फ्रेंड्स आपका डिज़ाइन ऐसा बनता चला जाएगा। आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।